हेलो हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टडी आई क्यू आई एस हिंदी पे आप सबका स्वागत है कैसे हैं आप सब पर फटाफट बता दीजिए सब सही है मैं तो दिखाई दे रही हूँ अच्छा आपस में चल रही है कितने घंटे तो ज्यादा क्यों नहीं करती भाई सात आठ घंटे क्यों करती हैं बाकी काम रहता है क्या मेरे को ये समझ में नहीं आता आप जैसे स्टूडेंट लाइफ में हो है ना तब अगर विषय दिख ही गया तो एक एक सेकंड के आप स्टूडेंट लाइफ में हो आपको और क्या काम है देखो अगर आप मैनेज कर रहे हो अगर आप मतलब इस तरीके का कुछ स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको Uh, कुछ जॉब करनी पड़ रही है साइड में hmm. या फिर uh, कुछ और काम करवाना पड़ रहा है घर वालों के साथ मिलके तो फिर वो मजबूरी हो जाती है ऐसे में समय निकालना वास्तव में आप वो समय भी निकाल पा रहे हो सात आठ घंटे का तो भी आप बड़ी बड़ा काम कर रहे हो लेकिन मान लो अगर आप डेडिकेटेडली एज अ स्टूडेंट बेसिकली पढ़ रहे हो तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आता आपके पास ट्वेंटी फोर आवर्स है ट्वेंटी फोर आवर्स में से टेन आवर्स माइनस कर दो ना आप आठ घंटे सुस्ता लो है ना आप आप बारह घंटे भी माइनस कर दो है ना घूमने के फिरने के है ना वॉक करने के और सारा काम करने के आप बारह घंटे भी माइनस कर दो तो भी आपके पास लगभग बारह घंटे बच गए तो बारह घंटे तो कम से कम दस से बारह मैं ये नहीं कह रही कि डेली पढ़ो लेकिन एग्जाम पास में है अब तो आपकी फ्रिक्वेंसी वो होनी ही हो चाहिए ठीक है एनीवे चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे थे सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा इसमें ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बेसिकली छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक थे क्योंकि जो स्थानीय स्वशासन की संरचना है ना स्टेट स्पेसिफिक होती है कई मामलों में हर राज्य के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कई कई मामलों में तो वो क्वेश्चन हमको करने की जरूरत नहीं हमें बेसिकली वो क्वेश्चन करने हैं जो सार्वभौमिक टाइप के क्वेश्चन हो जो मतलब सच ही होंगे हर कंडीशन ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन हमने कल क्वेश्चन चलो ये बताइए स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है कौन सी विशेषता स्थानीय शासन की नहीं है वैधानिक स्थिति स्थानीय समुदाय की भागीदारी केंद्रीय नियंत्रण कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति कौन सी कौन सी विशेषता बेसिकली स्थानीय स्वशासन की नहीं है पुष्पेंद्र इस पे, इस पे इस पे विचार करेंगे अब इतना इतना नहीं अब आंसर बताओ फटाफट बाकी को भी आंसर बताने दो आंसर क्या होगा वेरी गुड राजवीर सोचने की बात है वेरी गुड करण सना वैशाली सोच के बताओ भाई सोच के भावना भवानी क्यों गलत कर रहे हो सोच के देखो ना अगर कंट्रोल हो केंद्रीय नियंत्रण की बात केंद्रीय नियंत्रण तो मतलब कम करने का प्रयास किया जाएगा ना पंचायती राज व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाएगा ना ना कि केंद्रीकरण या नियंत्रण करने की प्रवृत्ति पंचायती राज की नहीं होगी कहीं पे भी ये कंसेप्ट है भाई पंचायती राज का मतलब ही है स्वशासन देना भागीदारी बढ़ाना सॉरी oh, uh, नियंत्रण को कम से कम करना है ना तो कौन सी विशेषता नहीं होगी केंद्रीय नियंत्रण बाकी वैधानिक स्थिति दी गई स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाई गई कर आरोपित करने कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति कुछ मामलों में तो पंचायतों को वित्तीय शक्तियां दी ही गई हैं है ना वो फिर डिपेंड करता है हर एक स्टेट पे कि कोई स्टेट अपनी पंचायतों को कितनी शक्तियां देना चाहता है ठीक है तो कंट्रोल तो अपने आप में एलिमिनेट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में बेसिकली राजस्व तो बंटवारे के लिए कौन उत्तरदायी है मुख्यमंत्री उत्तरदायी है राज्यपाल राज्य, राज्य वित्त आयोग उपरुक्त में से कोई नहीं सबको पता है फटाफट बिल्कुल ठीक है आयुष बिल्कुल ठीक है सताईस वाले सात आठ घंटे अगर पढ़ रहे हो अभी से बहुत बड़ी बात रेगुलर इतना रह लिए तो फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में बस वही है कि पढ़ने का तरीका कैसा है है ना ते आप लोगों ने दो तीन बच मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा होगा ना मतलब अपने दोस्तों में से ही देखा होगा आज तेरे भाई ने जो है ना दस घंटे पढ़ा पूछे क्या पढ़ा और वो तो इसको भी नहीं पता है एनसीआर पढ़ी है ना एनसीआर में क्या क्रक्स क्या निकाला क्रक्स क्या निकाला भाई वो नहीं पता पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए आप जो पढ़ रहे हो वो आप उस पर मनन भी करो सोचो भी करो क्या आ, उसका कुछ आउटपुट निकला तो वो आउटपुट आपको याद होना चाहिए है ना ये ये तरीका धीरे धीरे विकसित तो वो आ जाएगा एनी anyway, राज्य वित्त आयोग बेसिकली राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में क्या करता है राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है टू फोर्टी थ्री आई के तहत स्थापना का प्रोविजन है राज्यपाल हर पांच वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का प्रोविजन मतलब राज्य वित्त आयोग का गठन कहा है टू फोर्टी थ्री एच टू फोर्टी थ्री आई टू फोर्टी थ्री टू फोर्टी थ्री ए कोई डाउट ही नहीं है आप, आप इनकम से याद हो गया है ना ध्यान रखिएगा राज्य वित्त आयोग का प्रोविजन कहा है 243 आई है ना इनकम और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रोविजन कहाँ है कौन बताएगा राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहाँ पे किया गया है इन्हीं में से बता दो चलो एच आई जे के मैंने कल एक एक छोटा सा हिंट दिया था आप लोगों को ये तीन चार चीजें याद रखना यार कभी भी पूछ देगा बेसिकली यूपीएससी में ऐसे नहीं पूछेगा वो पता है कैसे दे देगा आर्टिकल ये राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी होता है तथा वित्त आयोग का जिक्र आर्टिकल दो के में किया गया है अब बच्चा इतना दूरदर्शी होके नहीं सोचेगा कि कौन से आर्टिकल में आर्टिकल गलत पूछ लेगा क्या यूपी तो मतलब इस नजरिए से आपको ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको याद करना पड़ेगा अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो 243 के मैंने कल आपको कर्तव्य है भाई निर्वाचन आयोग का कि निर्वाचन करवाएगा निर्वाचन आयोग बात खत्म ठीक है हजार 2010 का क्वेश्चन है 2010 का क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है उस आयोग की बात हो रही है जो राज्य की पंचायत और बेसिकली उस राज्य के बीच में जो विनियोजित हो सकने वाले कर है शुल्क है है ना किसकी बात हो रही है यहाँ पे सबको पता है किसकी बात हो रही है जिला योजना समिति है राज्य वित्त आयोग राज्य का वित्त मंत्रालय है उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय है दादू शेष राज्य की पंचायत द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों शुल्क तो धारण के सिद्धांत कैसे सिद्धांत मतलब विकसित हो कि जो राजस्व का बंटवारा है वो राज्य सरकार स्थानीय सरकारों को करे है ना तो ये सारे के सारे सिद्धांत वगैरह ये सारी बातें राज्य वित्त आयोग है ना के भरोसे होते हैं किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई तो कंफ्यूज नहीं होना है हम सबको पता है तिहत्तरवें के द्वारा पंचायतों को तो चौहत्तरवें के द्वारा नगर पालिकाओं को ये क्वेश्चन बस कराने के लिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम जो है पंचायती राज सिस्टम के क्वेश्चंस नहीं हुए आपका कंप्लीट हो गया संविधान संशोधन टाइम नहीं लग शहरी स्थानीय निकाय संशोधन मेयर का कार्यकाल कितना होता है भाई एक वर्ष दो वर्ष तीन वर्ष पांच वर्ष मंडे से तैयार हो क्या ना मंडे से मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आईएस ऑप्शनल के दो ऑप्शनल 2010 से पहले हुआ करता था पीटी में जैसे आजकल कल सी सेट होता है ना वैसे सब्जेक्ट का पेपर आता था मैं बेसिकली पीएसआईआर का जो पेपर होता था अब उसके सौ के सौ क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि थ्योरी थॉट और आईआर आर एटसेट्रा के भी क्वेश्चन हुआ करते थे लेकिन उस पेपर में जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन हुआ करते थे विशेष तौर पर संवैधानिक विकास और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन constitution वाले क्वेश्चन हुआ करते थे वो क्वेश्चन हम करेंगे हाँ मंडे से नहीं भाई संवैधानिक विकास भी तो बचा और विविध भी तो बचाया भी। तो अभी तो भी और रुक जाओ तीन चार दिन उसके बाद ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा पांच वर्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद दो जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम हो तो सकती है दो जेड जे जो सहकारी समिति के निदेशक होंगे उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी वैसे तो हर राज्य की विधानमंडल बेसिकली स्वतंत्र है कि कितने निदेशकों की संख्या होगी लेकिन फिर भी हाई अधिकतम सेट कर रखी है कि भाई उससे ज्यादा नहीं होगी अधिकतम उतने हो सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा वेरी गुड बहुत ही बढ़िया 21 ध्यान रखिएगा सहकारी जो समितियां हैं इनका प्रोविजन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था सबको पता होना चाहिए सत्तानवेवें संविधान संशोधन द्वारा सत्तानवेवें संविधान संशोधन द्वारा बेसिकली हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट right में चेंज हुआ फंडामेंटल राइट right में कहाँ पे चेंज हुआ उन्नीस एक सी जो सहकारी जो संघ और समितियां बनाने का अधिकार था ना संघ वगैरह बनाने का अधिकार था इसी में सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी दे दिया गया यानी एक परिवर्तन सत्तानवेवें संविधान संशोधन द्वारा हुआ फंडामेंटल राइट में दूसरा संशोधन इस सत्तानवेवे संविधान संशोधन द्वारा हुआ डीपीएसपी में कोई बताएगा डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया सत्तानवेवें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया कौन बताएगा सबसे पहले उन्नीस एक सी तो पता है ठीक है डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया सतानवे में संविधान संशोधन द्वारा भाई कितना भी बढ़िया फोन ले लो मैसेज जो है ना स्लो ही आते हैं आप वेरी गुड निशा बहुत ही बढ़िया निशा ने बता दिया है भाई बाकी बच्चे भी अब बताई देंगे विशाली ध्यान रखना फोर्टी थ्री नहीं है एग्जैक्ट बताओ फोर्टी थ्री बी फोर्टी थ्री बी जोड़ा इस 43 बी में क्या है सहकारी समितियों के निर्माण से संबंधित प्रोविजन है कि राज्य प्रयास करेगा और एक भाग नो बी जोड़ा भाग नो ए द्वारा भाग सॉरी भाग नो भाग संशोधन द्वारा नो ए चौहत्तरवें संशोधन द्वारा और भाग नो बी सत्तानवेवें संविधान संशोधन द्वारा प्रोविजन किया गया और इसी के द्वारा ये कहा गया कि जो सहकारी समिति के निदेशक हैं बेसिकली उनकी अधिकतम संख्या 21 होगी ठीक है ये बताओ आई एस उन्नीस सौ पिचानवे का क्वेश्चन है क्वेश्चन आई एस का है, क्या है भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है यानी हमें गलत कथन बताना है भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है खुद समझो इस बात बाद में एक्सप्लेन करूंगा स्थानीय निकायों के एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है यानी राज्य वित्त आयोग करेगा स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण अलग से एक आयोग मतलब एक आयोग करता है तो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा आंसर क्या होगा इसका कौन सा सही नहीं है मैं साइड हो जाती हूँ थोड़ी कौन सा सही नहीं है वेरी गुड सना ओम तस्न, तस्नीम सौरभ आलिया मुस्कान प्रीति राज बहुत ही बढ़िया आंसर सीधा सीधा दिख रहा है भाई बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं भाई स्वतंत्र कोटि हो गई ना कब अलग से भागनो जोड़ दिया ना भागनोए जोड़ दिया ना तो स्थानीय स्वशासन की अलग से तो कोटि है भारतीय संविधान के अनुसार भी है है ना यदि मान लो संवैधानिक प्रोविजन ना किया होता अलग से कोई वैधानिक होता तो भी हम सोचते संविधान में जोड़ा ना तो पहला बिल्कुल गलत हो गया बाकी हमको पता है एक तिहाई कहाँ महिलाओं के लिए है राज्य वित्त आयोग का प्रोविजन है है ना और राज्य निर्वाचन आयोग का प्रोविजन है हमको ये भी पता है कहाँ कहाँ है टू फोर्टी थ्री आई टू फोर्टी थ्री के और आरक्षण की बात कहा डिफेंस रक्षण संरक्षण तो टू फोर्टी थ्री डी ठीक है ध्यान रखिएगा निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है तो सबको पता होना चाहिए नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा है भाग नो ए तो नो, नो ए नगर पालिका और नो बी सहकारी समितियां जिला योजना समिति का गठन ये पता होना चाहिए भाई जिला योजना समिति वैसे तो आप वैसे बता ही दोगे टू फोर्टी थ्री जेड डी टू फोर्टी टू जेड डी टू फोर्टी फोर जेड डी टू फोर्टी थ्री जिला योजना समितियां देख लेना एक बार अच्छे से तो जिला योजना समितियों का जिक्र पे किया गया है 243 तो ये जरूर याद करके जाना। इसको कैसे याद कर सकते हो जिला योजना मतलब डेवलपमेंट आप इस तरीके से याद कर लो जेड से जिला और डी से डेवलपमेंट यानी जिला जिले के विकास के लिए जो जिला योजना समितियां होंगी भाई विकास के लिए योजना तो बनानी पड़ेगी तो एक छोटा सा लिंक है मतलब एग्जाम हॉल में ये काम आ जाते हैं छोटे छोटे हिंट्स ना एग्जाम हॉल में वो बहुत ज्यादा हिंट हिंटों के चक्कर में मत पड़ना वो जा, बहुत ज्यादा काम नहीं आती चीज लेकिन ये ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो क्लिक कर जाती हैं तो जेड डी टू जेड डी में जिला योजना समितियों का प्रोविजन है ये बता दो स्थानीय निकायों को बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से करना स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में जो संघीय वित्त आयोग होता है ना 280 के तहत जो हम हमने पढ़ चुके हैं वित्त आयोग इसकी कोई भूमिका नहीं होती यानी हमारा जो संघीय वित्त आयोग है ना वो स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संदर्भ में कोई सिफारिश नहीं करता कोई विचार नहीं करता यानी उसकी कोई भूमिका नहीं होती अच्छा जी संविधान के 73वें चौहत्तरवें संशोधन के बावजूद स्थानीय संविधान जो स्थानीय शासन है वो संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का ही मतलब राज्य सूची का ही विषय है दोनों सही हैं सही स्पष्टीकरण है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए सही है आर गलत है ए गलत है आर सही वेरी गुड जिस जिस बच्चे ने वित्त आयोग का चैप्टर किया था बहुत ही इजीली मैंने उसको करवाया था और आपको यह बताने का काम भी किया था कि पांच काम होते हैं अब उन पांच कामों में यूपीएससी ने कितने सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं मैंने आई के भी क्वेश्चन करवाए थे है ना कि ये भी करता है ये भी करता है ये भाई इतना दिमाग ही नहीं लगाना चार पांच काम करता है बस वित्त आयोग और वित्त आयोग का एक काम ये भी होता है कि जो स्थानीय निकाय हैं उनके उनको वित्तीय सहायता देने के संबंध में भी रिकमेंडेशन देने का काम करता है ठीक है ध्यान रखिएगा अब ये बोल रहा है बिल्कुल नहीं करता तो काट दो इसको और ये बिल्कुल सही है भले ही तिहत्तरवा संशोधन आ गया उसके बावजूद किसका विषय है साशन, कोई स... मतलब हम ये नहीं कह सकते कि राज्य सूची का ही तो विषय होएगा भाई ठीक है ध्यान रखना आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए गलत है आर सही है यदि पंचायत आई एस में सीधा सा क्वेश्चन यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे एक महीने तीन महीने छह महीने एक वर्ष अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ ले यदि पंचायत भंग होती है तो अनिवार्यतः एक वर्ष के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए या अनिवार्यतः छह महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए आंसर क्या हो जाएगा सबको पता है ना छ महीने सारी कंडीशन देखो दो तीन कंडीशन है इसकी मैं कई बार बता चुकी हूं मेरी आदत है भाई बार बार बताना ताकि आप सोते सोते भी याद रहे एक तो छह महीने में अनिवार्य चुनाव हो जाएंगे दूसरी कंडीशन मान लो कोई पंचायत पांच साल के लिए थी और इसका विघटन हो गया चार साल और छ महीने में और छ महीने ही बचा है काम कार्यकाल ये भी तो एक कंडीशन हो सकती है ना है ना सोच के देखो मान लो छ महीने ही बच गए हैं पंचायत तो भी अनिवार्यतः पंचायत के इलेक्शन होंगे फिर उस वाले इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है यदि समय छह महीने ही शेष हो महीने से ज्यादा समय शेष बचा है तो फिर छह महीने के अंदर चुनाव करवाने पड़ेंगे मान लो कोई पंचायत पांच साल के लिए बनी थी लेकिन वो चार साल दो महीने काम करके ही विघटित हो गई यानी अभी कितने महीने बच गए दस महीने बच गए है ना तो छह महीने से ज्यादा है तो ऐसे में चुनाव होंगे और जो जो नई पंचायत आएगी वो कितने समय के लिए काम करेगी तो दस महीने के लिए ही करेगी भाई बस दस महीने के लिए ही करेगी लेकिन यदि समय छह महीने से भी कम है तो फिर ऐसी कंडीशन में ये बात मैंने नहीं बताई है नहीं बताई थी मैंने तो ऐसी कंडीशन में फिर चुनाव करवाने की जरूरत नहीं है ठीक है न्यू इलेक्शन ठीक है ये बताओ नगर क्षेत्र के ये तो फिर एक अलग क्वेश्चन हो गया आप एनसीआर वगैरह में भी पढ़ते हो जब भी हम किसी नगर क्षेत्र को निर्धारित करते हैं तो उसके लिए बेसिकली कौन से सही नहीं है क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और क्या नहीं है इनमें से गलत बताना है जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो एक क्राइटेरिया होगा जिसकी जनसंख्या कम से कम पाँच हजार हो जिसकी कम से कम साठ परसेंट पुरुष जनसंख्या अपुरुष जनसंख्या अकृषीय कार्यों में लगी हो जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम चार व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो मतलब कौन सा क्राइटेरिया नहीं है जो नगर क्षेत्र के निर्धारण के लिए जरूरी है गलत बात ध्यान से देख लो एक बार वेरी गुड निशा पूनम राजा गणेश सना तस्नीम अनीता राजा आलिया बहुत ही बढ़िया ओम तैना वेरी गुड यार कितनी जनसंख्या सेवेंटी फाइव परसेंट सेवेंटी फाइव कम से कम पिछहत्तर परसेंट पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यो में होनी चाहिए साठ परसेंट ये सब डेटा आपने पढ़ा होगा कि भाई कोई ऐसा जो तो नगर है जहाँ पे नगर निगम है छावनी बोर्ड है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित है जनसंख्या कम से कम पांच हजार होनी चाहिए जो जनसंख्या घनत्व है वो कम से कम चार सौ होना चाहिए है ना और पुरुष जनसंख्या क्लियरली मैंशन है कि पचहत्तर पुरुष जनसंख्या गैर कृषिगत कार्यों में संलग्न होनी चाहिए ठीक है तो आंसर सीधा सीधा ये हो जाएगा अब इसको बदल के भी पूछ भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम हॉल में सबसे टफ होते हैं ये जो इजी दिख रहा है ना आपको भगवान ना करे आपको टफ लगे बट देखो एक बार प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो फिक्स होता है ना कि भाई पांच साल है पंचायत तो वो किस दिन से आ, माना जाएगा अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि जिस दिन प्रथम अधिवेशन हुआ चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से पांच साल चुनाव परिणाम जिस दिन आए है ना जिस दिन चुनाव परिणाम आए वहां से पांच वर्ष माना जाएगा और जिस दिन सदस्यों ने शपथ ग्रहण की वहां से पांच वर्ष माना जाए अब इसी क्वेश्चन को यदि टफ बनाना चाहें तो फिर हम बना सकते हैं अच्छे से मान लो भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जिस दिन सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं उस शपथ ग्रहण के दिन से पांच वर्ष होगा गलत हो जाएगा भाई सही नहीं होगा गलत हो जाएगा ध्यान रखिएगा शपथ वगैरह का मतलब नहीं होता यहाँ जिस दिन प्रथम अधिवेशन हुआ है पहले अधिवेशन की निर्धारित तिथि से पांच वर्ष माना जाता है नया फैक्ट पता लगा और ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चन दिमाग हिला देते हैं एग्जाम हॉल में बहुत देखने में इजी लग रहा है एनीवे anyway, ध्यान रखिएगा प्रथम अधिवेशन के लिए जो निर्धारित तिथि है इससे पांच वर्ष तक ही पंचायत का कार्यकाल होगा चुनाव की घोषणा परिणाम की तिथि शपथ की तिथि का कोई रोल नहीं होता है प्रथम अधिवेशन बाद खत्म पहली बैठक बिल्कुल सही बात है पहली बैठक से अंतिम बैठक बस इतना क्लू याद रखना ठीक है पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है गलत बताना है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वो मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करें। मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था ये अगर किसी को याद हो तो आंसर क्या होगा इसका गलत बताना है क्या गलत है गलत कथन क्या होगा वेरी 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 गुड बहुत ही बढ़िया पूनम गणेश राखी करण नईम निशा तस्नीम राजवीर बहुत ही बढ़िया राजा प्रीति क्या बात है भाई क्या बोल रहा है प्रत्येक राज्य हर राज्य ग्राम मध्य और जिला स्तर पर पंचायत का गठन और ये चौथा स्टेटमेंट साफ साफ बोल रहा है कि भाई वो राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वो मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकें सी बात आई इसको काट रहा है तो गलत ये होगा क्योंकि प्रत्येक राज्य नहीं गठन कर सीधा सा रूल है जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी ग्राम ब्लॉक एंड जिला लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा नहीं है वहां पे ब्लॉक का गठन करने का प्रोविजन नहीं है यानी वो राज्य केवल ग्राम और जिला स्तर की व्यवस्था कर पाएंगे तो हर राज्य तो नहीं करेगा कर कट गया पहला तो बिल्कुल सही है किसी राज्य का विधानमंडल ये भी ध्यान रखना पंचायत की संरचना क्या होगी इसके लिए नियम कौन बनाएगा तो विधानमंडल बनाएगा फिर ग्राम सभा का हो ही गया और बीस लाख वाला आंसर गलत क्या हो जाएगा सी हो जाएगा बिल्कुल पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं पंचायत समिति मतलब खंड स्तर पे ब्लॉक स्तर पे जो बेसिकली पंचायत होती है उसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत के सदस्य चुनेंगे जिलाधिकारी मनोनीत करेंगे खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती की जाती है है ना फॉर्म भर दो भाई भर्ती निकल गई है पंचायत समिति के सदस्यों को कौन चुनेगा भाई मुझे क्या पता मनोज सर कौन अच्छा मनोज सर साइंस एंड टेक भाई वो आजकल सर बिजी हैं पेड़ बैचेज में लगा मैंने अभी ट्वेल्थ फेल देखी थी <laughs> तो मेरे दिमाग में ना वो वाले मनोज रहे हैं मनोज सर कहा मनोज सर, सर पेड़ बैच में भी मैं अभी ट्वेल्थ फेल कुछ ही दिन पहले देखी हूँ क्या मूवी है यार इंस्पिरेशन आई देखी आप लोगों ने मतलब मस्ट वॉच है आप लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है देखना मेरे को ऐसा लगता है व्यक्तिगत स्तर पर कि ना ये मत सोचना दो ढाई घंटे में बहुत समय चला गया इतने भी पढ़ाकू नहीं दो तो ढाई घंटे निकाल के कभी देखी जा सकती है और खासकर वो फिल्म जो बिल्कुल हमारे संघर्ष से जुड़ी हुई हो है ना हमें मोटिवेट करती हो तो जिसने नहीं देखी जिसने नहीं देखी है ना वो जरूर देख ले ना अच्छी मूवी है आपको इंस्पिरेशन मिलेगी आपको मोटिवेशन मिलेगा बहुत जबरदस्त मुझे तो अच्छी लगी एनीवे anyway, शायद <coughs> समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त आयूक, जो है नियुक्त कौन करेंगे पंचायतों के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त करेंगे भारत के राष्ट्रपति करेंगे राज्यपाल करेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं स्टेटमेंट दे देगा पंचायतों के लिए निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सरासर सही की सरासर गलत <coughs> सरासर गलत क्यों तो, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है ध्यान रखिएगा राज्य के राज्यपाल टू फोर्टी थ्री के पंचायत समिति के सदस्य अभी बताया था कौन चुनेगा तो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे जो समिति होती है बेसिकली प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनेगी क्वेश्चन कर चुकी हूँ इसलिए फटाफट निकल रहे आई एस दो में क्वेश्चन पूछा भाई 2011 में अच्छा ये मनरेगा से क्वेश्चन पूछा था बेसिकली क्वेश्चन क्या है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का प्रा, पात्र है मतलब किसे मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त होगा केवल अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के व्यस्क सदस्य को गरीब बीपीएल के परिवार के व्यस्क सदस्य को सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के व्यस्क सदस्य को या किसी भी परिवार के व्यस्क सदस्य को पता होना चाहिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि अब क्लास नहीं लेंगे वो जैसे ही बैच से फ्री हो जाएंगे क्लास यूट्यूब हमारे लिए प्रियोर है है ना मेरी भी पेड क्लास चल रही है एक में मैं गवर्नेंस पढ़ा रही हूँ अपने बच्चों पेड़ बच्चों है ना लेकिन ये क्लास मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू ही रखू आप लोगों को पी पास है तो गैप नहीं आना है ना भले ही मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाए कोई बात नहीं है ना आंसर क्या हो जाएगा किसी भी परिवार के ध्यान रखना यहाँ ना मनरेगा में कोई ऐसा नहीं है कि केवल एस सी के लिए है या केवल ओबीसी के लिए है या केवल गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति के लिए है बल्कि सब के लिए है ये ध्यान रखना डी आंसर है इसका किसी भी परिवार के व्यस्क सदस्य की को रोजगार देने की बात की गई थी मनरेगा में पंचायती राज प्रणाली में पंचायती समिति का गठन किस स्तर पे होता है पंचायत समिति का गठन किस स्तर पे होता है तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ग्राम स्तर पे कि खंड स्तर पे कि जिला स्तर पे कि राज्य स्तर पे? तो पंचायत समिति के सदस्य जनता डायरेक्ट चुनेगी और पंचायत समिति का जो गठन होगा वो किस स्तर पे होगा बताओ आंसर क्या होगा इसका Answer, क्या होगा yeah. uh, मनरेगा में आयोजना बनाने संपादन करने क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी की थी ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की, राज्य सरकार की जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की तो ध्यान रखना जो मनरेगा है आज भी बहुत ही बेहतरीन योजना रही है यार इसमें कोई संदेह नहीं है बेसिकली और uh, इस योजना को बेसिकली uh, संपादित करने क्रियान्वयन करने इन सब की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होती थी ग्राम पंचायतों की ठीक है ध्यान रखना। अच्छा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस आता है आपको ग्राम सभा क्या होती है ग्राम पंचायत क्या होती है ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा का मतलब हो गया कि जो भी अठारह वर्ष से ऊपर के मतलब जो भी हम क्या बोलेंगे मत इन्हें मत देने का अधिकार है वो सारे के सारे व्यक्ति जिसमें पुरुष महिलाएं सब शामिल होंगे ये सबसे मिलकर बनेगी ग्राम सभा है ना और ग्राम पंचायत में कौन कौन होते हैं एक तो पंच होते हैं हमारे है ना पंच का मतलब क्या होता है जो वार्ड मेंबर्स होते हैं है ना पूरे गांव को मान लो पूरे गांव को मान लो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ नौ वार्ड में बांट दिया तो यहां से इस एरिया का एक वार्ड मेंबर होगा इस एरिया का इस एरिया का इस एरिया का इस एरिया तो इन्हीं वार्ड मेंबर को हम पंच भी बोल देते हैं और फिर गांव का एक मतलब इन पूरे के पूरे गांव का एक सरपंच होगा इसी सरपंच को कई जगह मुखिया बोल देते हैं है ना कई जगह सरपंच ही बोलते हैं तो अलग अलग नाम है बेसिकली तो बेसिकली ये सरपंच और पंच मिलके ग्राम पंचायत बनाएंगे और सारे के सारे काम बेसिकली ग्राम पंचायत ही करती है ग्राम सभा रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करती है हालांकि करती कुछ नहीं है ग्राम सभा जब अगर करने लग जाए तो फिर सरपंचों की बलैरो लेनी बंद हो जाए ना सरपंचों का पहला का का, काम क्या होता है बलैरो लेंगे आजकल तो बलैरो तो फेल हो गई आजकल फॉर्चुनर से नीचे बात ही नहीं है है ना दूसरा इनका उद्देश्य होता है सरपंच जो भी चुन के आते हैं कि भाई शहर में एक कोठी बनवानी है मतलब एक घर बनवाना है बढ़िया बंगला बनवाना है ये दो काम होते हैं दो उद्देश्य होते हैं इनके खूब पैसा खाते हैं खूब पैसा खर्च करते हैं ग्राम सभा यदि वास्तव में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करे तो फिर काफी कुछ तस्वीर बदल सकती है जैसे हम ना कोसते हैं भारत में ना हम हम कोसते हैं सरकार ने ये कर दिया सरकार भाई सरकारें बहुत एफर्ट मारती हैं बहुत एफर्ट करती हैं ना अपनी तरफ से लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नागरिकों की भी बनती है ना हम भी तो एज अ एक्टिव सिटीजन के तौर पे पेश आए हम भी तो पूछ सकते हैं ना हमें पूछने का अधिकार दिया है हमें सूचना का अधिकार दिया है तो हम पूछ सकते हैं ना कितना पैसा सरपंच जी कहाँ आया कहाँ गया तो सरपंच जी भी जवाबदेह बने कुछ लेकिन हम सोचते हैं हमें क्या लेना देना पहाड़ में जाए कोई बात नहीं एनीवे anyway, ग्राम पंचायतों के ऊपर जिम्मेदारी होती तो ये हो गया भाई आपका पंचायती राज सिस्टम कंप्लीट लाइफ टाइम सेविंग बिल्कुल <laughs> सही बात है देवेंद्र एकदम सही बोल रहा है लाइफ टाइम सेविंग कर लेते हैं मैम मैम थार। अच्छा थार अरे थार कोई पड़ी हो थार तो पंद्रह लाख की सोलह लाख की मैं की बात कर रही हूँ आप थार पेट के हुए हो है ना हमारे यहाँ वाले फॉर्चूनर से नीचे नहीं बात करते भाई है ना पंचायतों के चुनाव में मतलब मिनिमम पचास साठ लाख रुपए तो खर्च होता ही है और जब अगर आप डेवलप स्टेट की बात कर दो हरियाणा पंजाब पश्चिमी यूपी है ना तो इन एरियाज में इन स्टेट्स में तो मतलब TR को क्रॉस कर चुके हैं जो पंचायत चुनाव में खर्च होता है ना वो तो लगभग करोड़ों के आसपास खर्च होता है एनी anyway, तो आई थिंक क्लास अच्छी लगी होगी मैं ना एक टॉपिक और ले लेती हूँ एक टॉपिक और ले लेती ले ले। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जीएस फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है कब से 16 जनवरी से तो यदि आप 2025-26-27 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो इस फाउंडेशन बैच का हिस्सा बन सकते हैं ये पी टू आई बैच है प्रिपरेशन कराई जा रही है 16 जनवरी से शुरू हो रहा है डिस्क्रिप्शन दिस्क, बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अगर एडमिशन लेना है तो या स्टडी आईक्यू की ऐप या वेबसाइट पर जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं ध्यान रखिएगा एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कर लीजिएगा एल आईवी एल डी लाइव का साथ ही तेरह जनवरी से शुरू हो रहा है नया बैच सक्सेस इन प्रीलिम्स का तो इस बैच से जुड़ के दो हजार चौबीस में बेसिकली अपनी सफलता को आप आ, महत्वपूर्ण बना सकते हो सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हो क्योंकि पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा बैच में एडमिशन लेने का मतलब ये नहीं होता कि निकल ही गया बैच में एडमिशन लेने के साथ साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ये सीधी सी बात होती है ठीक है ध्यान रखना आ, तो एस आई पी में यदि आप एडमिशन लेते हो और अच्छे से क्लास करते हो तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सकता है ध्यान रखिएगा तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हो एल डी एल आई वी ई एल डी लाइव कोड का प्रयोग करके बाकी पीडीएफ आज आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी पंचायती राज सिस्टम की ललिता धैया अकेडमी टेलीग्राम चैनल इसको फॉलो कर लो इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं मतलब छोटा सा टॉपिक नहीं है है वो टॉपिक बड़ा लेकिन शुरुआत कर देते हैं इतना विविध वाला टॉपिक है हमारे पीसीएस सी और आई के मिला के क्वेश्चन जो विविध से पूछे जाते हैं इन क्वेश्चन को मैंने देखा इसमें कुछ कई महत्वपूर्ण तो से क्वेश्चन थे तो उन क्वेश्चन को करना अगर हम कर लेंगे तो सही रहेगा हमारे जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ बताइए आंसर क्या होगा संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ उन्नीस सौ चौवालिस पैंतालीस अठालिस सैतालीस ये वो क्वेश्चन है जो जिसे नहीं बोलते हैं मिसलेनियस टाइप के विविध टाइप के कहीं से भी टपक गया क्वेश्चन तो ऐसे सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन का कलेक्शन है और ये क्वेश्चन यदि एक बार क्लास में कर लोगे ना तो फिर गलत नहीं होंगे तो हम सबको पता है चौबीस तो अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी फाइव को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है तो संयुक्त राष्ट्र दिवस यदि आपसे कोई पूछे तो कब मनाया जाएगा तो जिस दिन इसका गठन हुआ था चौबीस संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है पता होनी चाहिए बेसिकली पंद्रह सदस्य होते हैं जिसमें से पांच स्थायी सदस्य हैं और दस अस्थाई सदस्य हैं। तो पांच स्थाई सदस्य कौन कौन से हैं अमेरिका है रशिया है चाइना है इंग्लैंड है फ्रांस है ठीक है तो ये पांच स्थाई सदस्य हैं और दस अस्थाई सदस्य हैं जो कि बदलते रहते हैं है ना उन मतलब है मतलब ऐसा है कि भाई फिक्स नहीं है वो तो फिर बदलते रहेंगे तो ध्यान रखिएगा इसकी सुरक्षा परिषद में कितने परमानेंट मेंबर होते हैं तो पांच परमानेंट निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है जर्मनी फ्रांस ग्रेट ब्रिटेन और चाइना ठीक है तो सबको पता होना चाहिए भाई ये वो क्वेश्चन है जो मतलब पता ही पता होने चाहिए स्टेटमेंट में दे देगा किसी भी क्वेश्चन को तो हमें पता है ना जर्मनी परमानेंट मेंबर नहीं है बाकी पांच जो परमानेंट मेंबर हैं अमेरिका है रशिया है है ना चाइना है इंग्लैंड है और फ्रांस है यानी दो कंट्री कहाँ से हैं यूरोप से हैं एक कंट्री एशिया से आ गई चाइना रशिया और यूएसए तो होंगे ही क्योंकि श्वीत शीत युद्ध जो प्रतिद्वंदिता थी इन दो राष्ट्रों के बीच में ही थी ठीक है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कोई जरूरत नहीं है देख लेना वैसे वर्तमान वाले है ना गूगल कर लेना संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग जो चलती रहती है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए होना चाहिए वो किसके संदर्भ में बेसिकली चलती है वो जो डिमांड चलती है जो भारत और बेसिक जो कंट्रीज मिलकर डिमांड कर रही है महासभा का लोकतांत्रिकरण आर्थिक सामाजिक परिषद का लोकतांत्रिकरण सुरक्षा परिषद का न्यास परिषद का ट्रस्टीशिप परिषद तो किसके लोकतंत्रीकरण की मांग जो है गवर्नेंस की क्लास बाद में करवाएंगे बाद में करवाएंगे टेंशन मत लो है ना लेकिन अभी तो फिलहाल मैं यूट्यूब पे नहीं करवा सकती यूट्यूब पे अभी मुझे पी वाई क्यूज में भाई पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है बात खत्म सिर्फ एक घंटा ये देख लिया करो बेसिक आपने पढ़ा हुआ होगा और आधा घंटा रिवाइज कर दिया करो पॉलिटी में इससे ज्यादा समय मत देना अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता भी होगा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है और जो क्वेश्चन आता है वो देखो एक आध क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो करंट बेस होता है है ना तो उस क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन को छोड़ दो अदरवाइज अगर पंद्रह क्वेश्चन आए तो पंद्रह क्वेश्चन में से लगभग तेरह क्वेश्चन आप शोर मान के चलो आपके इस पूरे के पूरे प्रोग्राम से निकल जाएंगे लेकिन डेली एक घंटा उसमें देना है बस एक घंटा भी नहीं आंसर क्या हो गया सुरक्षा परिषद आ गया भाई चलो भाई कर लो आईएस का क्वेश्चन है आईएएस उन्नीस का देखो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं पूछे गए हैं आईएस में पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में जो निषेध अधिकार यानी वीटो है उसका प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी वीटो के संबंध में क्वेश्चन पूछ दिया क्या सही नहीं है वीटो के संबंध में सभी मामलों में सुरक्षा परिषद के निर्णय नौ सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए जाने आवश्यक है और उन नौ में से परिषद के स्थाई सदस्यों के सहमति मत होने भी जरूरी है यानी यदि सकारात्मक मत चाहिए तो पंद्रह में से नौ मत जरूरी है किसी भी बात के फेवर में आने और उन नौ मतों में ये इन्श्योर करना जरूरी है कि पांचों के पांच स्थाई मेंबर्स ने सकारात्मक मत दिया हो पॉजिटिव मत दिया हो तो सही बात है भाई पांचों का पॉजिटिव मत होना जरूरी है और टोटल नो सकारात्मक मत होना जरूरी है सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य निषेध अधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय को स्वीकृत करने से रोक सकता है बोल रहा है सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य यहाँ पे यदि बोलता प्रत्येक सदस्य तो गलत हो जाता प्रत्येक सदस्य में तो फिर दस वो वाले मेंबर भी आ गया अस्थायी मेंबर भी आ गए लेकिन सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग कर सकता है मान लो चार ने कहा हाँ और एक ने कहा ना तो ना हो जाएगी वीटो का मतलब यही है तो बिल्कुल सही बात है ये रोक सकता है एक सदस्य है भी यदि चाहे तो निषेध अधिकार शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुसार जो अनुच्छेद है सताइस में किया गया था ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी विकल्प पर रोक लगा सके ये क्वेश्चन मार्क क्योंकि हमें नहीं पता सताइस है कि अट्ठाईस है कि उनतीस है पढ़ लेते हैं सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य यहां पे स्थायी अस्थायी सदस्य की बात नहीं की गई कोई भी सदस्य मत देकर किसी भी प्रस्ताव पे मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है डी लगता नहीं है भाई सोचो ना क्या होगा बी कैसे हो जाएगा यहाँ पे स्थायी सदस्य प्रत्येक स्थायी सदस्य आई परमानेंट मेंबर तो वीटो की शक्ति है ना पांचों के पांच कंट्रीज को और यदि एक परमानेंट मेंबर चाहे तो पूरे प्रस्ताव को रोक सकता है बी में कहा गलती है डी देखो डी क्या बोल रहा है कि सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो अस्थाई हो कोई भी सदस्य किसी भी संकल्प के विरुद्ध मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है तो अपने आप में सही हुआ कि गलत हुआ गलत हो गया भाई गलत हो गया ध्यान रखिएगा तो सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य नहीं रोक सकता केवल परमानेंट मेंबर रोक सकता तो डी गलत हो गया अब हमें नई इन्फॉर्मेशन मिल गई क्वेश्चन पे नहीं जाना हमें कुछ सीखना है ये हमें पता लग गया ये हमें पता लग गया कि नो मत होने चाहिए किसी भी बात को फेवरेबल बनाने के लिए किसी भी बात के पक्ष में जाने के लिए और उन नो मतों में से पांच स्थाई मत फेवर होने ही होने चाहिए यदि पांच स्थायी मतों में से एक भी स्थाई मत फेवर में नहीं है तो फिर क्रॉस लग जाएगा काटा लग जाएगा और एक नया हमें फैक्ट पता लगा कि जो निषेध अधिकार या जो वीटो शब्द का प्रयोग है यूएनओ के चार्टर के जो अनुच्छेद सत्ताईस में किया गया है और ये वीटो का बात क्यों की गई ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बेसिकली किसी भी बहुमत के फैसले पर रोक लगा सके हर एक स्थायी सदस्य में पावर होती है आपको पता है ना वीटो क्या होता है जैसे पांच मेंबर है ना और फॉर uh, एग्जाम्पल हम भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं यदि मान लो यूएनओ के चार स्थाई सदस्य हैं जिसमें अमेरिका रशिया यूके और फ्रांस uh, ये कहें कि भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बना लेते हैं और बाकी से भी प्रस्ताव पारित करवा दिया लेकिन चाइना कह दे कि नहीं बन सकता तो नहीं बन सकता ध्यान रखना वीटो पावरफुल है एक देश का निषेध अधिकार भी चार देशों की पॉजिटिव बात को नकार सकता है यही है बिल्कुल 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 वही मैं बता रही संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन गुड गवर्नेंस की कुछ विशेषताओं की पहचान की है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है बेसिकली यूएनओ ने ना पांच गुड गवर्नेंस सॉरी आठ विशेषताओं की पहचान की गई है उनमें से कौन सी नहीं है भागीदारी जवाबदेहिता पारदर्शिता सरकार की वैधता गुड गवर्नेंस की विशेषता कौन सी नहीं है वैसे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं भाई सरकार वैध भी होनी चाहिए लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी होनी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लेकिन आंसर क्या हो जाएगा लेकिन अकॉर्डिंग टू यू एन ओ सुशासन के आठ लक्षणों में से कौन सा नहीं है ध्यान रखना सरकार की वैधता ऐसा कोई लक्षण नहीं बता रखा गुड गवर्नेंस ये ये तो बेसिकली होनी ही चाहिए ये तो डेमोक्रेसी का लक्षण है ये तो शासन का लक्षण है लेकिन शासन को यदि सु बनाना है सुशासन यानी अच्छा शासन बनाना है तो हमें कुछ हटके काम करना पड़ेगा हमें लोगों का पार्टिसिपेशन एंश्योर करना पड़ेगा जवाबदेह बनाना पड़ेगा सरकार को शासन में ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी कानून का शासन स्थापित करना पड़ेगा शासन को अनुक्रियाशील बनाना पड़ेगा है ना तो और भी बहुत सारे लक्षण हैं इसमें आठ आठ लक्षण हैं बेसिकली तो सरकार की वैधता का जिक्र नहीं किया गया कोई जरूरत नहीं इसमें कुछ क्वेश्चन वो रहेंगे ना करंट के रहेंगे मुख्य संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्नलिखित में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं स्वामी विवेकानंद लाल बहादुर शास्त्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रयुक्त में से। तरीके के क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति कौन रहे ध्यान रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जब जब तब इन्होंने 1980 के दशक में ही बेसिकली जब मंत्री थे ये बेसिकली प्रधानमंत्री के तौर पे फिर से भाषण देंगे जब 1999 में प्रधानमंत्री थे लेकिन उससे पहले मंत्री थे तो इन्होंने पहले ही हिंदी में भाषण दिया था है ना बड़ी उपलब्धि हिंदी हिंदी होता रहता है थोड़ा यूपीएससी पे भी हिंदी वालों पे न्याय करना शुरू हो जाए है ना न्याय होना शुरू हो जाए रहेगा ना मतलब ठीक है भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा का हम नहीं मांग रहे कि भाई राष्ट्रभाषा ही बना दो लेकिन इतना तो अन्याय मत करो कि इंग्लिश वालों के लिए आप बिल्कुल फेवरेबल हो रहे हो और हिंदी मीडियम को थोड़ा सा हालांकि अब थोड़ा सुधार हो रहा है पिछले दो तीन सालों के रिजल्ट के आधार पे। अदरवाइज बीच में तो बिल्कुल ही गायब ही हो गए थे हिंदी मीडियम दिख ही नहीं रहे थे तो ये पॉजिटिव चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप लोग अब इस दौर में तैयारी कर रहे हो जब हिंदी मीडियम का रिजल्ट ठीक ठाक सुधर रहा है और ये आगे और भी सुधरेगा ध्यान रखना क्योंकि सरकार का पॉजिटिव माइंड है हिंदी माध्यम के प्रति ना? तो ये पॉजिटिव ही रहेगा आप बस एक क्वेश्चन और कर दो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में न्यूयॉर्क में जेनेवा में पेरिस में तो वहां क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा दे तो देगा यूएनओ का मुख्यालय यहाँ है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय यहाँ है तो इस तरीके के स्टेटमेंट देके आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो अंतरराष्ट्रीय में मुझे सबसे ज्यादा लगता है जैसे सलमान बोल रहे हैं हमारे ऊपर अत्याचार सीसेट में सच में अत्याचार लगता है भाई पूछना क्या चाहते हो यार तो बच्चों की जान लोगे क्या यार 2023 का सी सेट का पेपर देखा है आप लोगों ने तब ऐसा लगा कि भाई गला दे दो <laughs> परीक्षा लेने की क्या जरूरत है मतलब ठीक है आप क्वालिफाइंग पेपर है तो जीएस में कॉम्पिटिशन रखो ना हम बता देंगे ना जीएस में कि हम में कितना दम है हम हमने भी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं लेकिन आप सी सेट के पेपर को बाधा बना रहे हो बेसिकली है ना ऐसे एक तो ऐसी ट्रांसलेशन कर रहे हो कॉम्प्रीहशंस ऐसे दे रहे हो है ना मैथ्स का स्किल ऐसा कर दिया इंजीनियर्स भाई हम गांव के बच्चे हमने कभी अंग्रेजी नहीं ढंग से पढ़ी हमने कभी मैथ्स नहीं ढंग से पढ़ा है और हम ये जिद रखते हैं आई बनने की जी में करवा लो कॉम्पिटिशन फेयर है कि बात नहीं है बताओ टी सेट में भी कंपटीशन करवा लो लेकिन कम से कम ऐसा तो हो कि अटैक ना आए बच्चों को देख के पेपर अब लेकिन कर क्या सकते हैं यूपीएससी को नहीं समझा सकते हमें अपनी प्रिपरेशन उस लेवल पे लेके जानी ही पड़ेगी अभी मैं आऊंगी उस बात आंसर क्या होगा हेग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में ठीक है ध्यान रखिएगा <laughs> देखो कितना भी गलिया लो कितना भी निराश हो लो लेकिन कंपटीशन तो क्रॉस करना पड़ेगा पास करना पड़ेगा और यूपीएससी से हम ये अपेक्षा नहीं रख सकते कि यूपीएससी सुधर के सीसेट सेट के पेपर को थोड़ा इजी बनाते हिंदी माध्यम के स्टूडेंट तो अब हमारे सामने ऑप्शन क्या है विकल्प क्या है लड़ना तो है अब लड़ना इसी कॉम्पिटिशन लेवल पे पड़ेगा तो हमें अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा बस एक ही फंडा है लास्ट बात मैं बोल दूं क्लास की आई एस की का पीटी देने जा रहे हो 2024 में सी सेट को अभी से देखते चलना हल्के में मत लेना ऐसा ना हो कि जीएस में 120 स्कोर कर दो और सी सेट में फिर कुछ होना है ना तो मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोल रही मैं सचेत कर रही हूँ कि सी सेट को अभी से प्रियोरिटी पे लेके चलो क्योंकि सी सेट काफी टफ है ठीक है तो ये क्वेश्चन है ना मैं ऐसा करूंगी जैसे देखो यहाँ से आई एस में क्वेश्चन पूछा है विधि का नियम सूचकांक कौन जारी करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है ये देखो आई 2015 में क्वेश्चन पूछा है यहाँ से इस विविध से ना काफी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो ऐसा करते हैं दिमाग में सस्ता हो चुका है भाई पांच हजार नौ सौ निन्यानवे में हो चुका है जो तेरह जनवरी से क्लास प्रारंभ हो रही एल डी लाइव कोड का प्रयोग करके आप इसमें एडमिशन ले सकते हो दो हजार चौबीस के क्विक रिविजन के लिए साथ ही ईयर बैच 23999 में एलडी लाइव कोड का प्रयोग करके ये 16 जनवरी से शुरू हो रहा है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों लेवल की प्रिपरेशन 25 26 27 तक के बच्चे बैच से जुड़ सकते हैं ठीक है बाकी पीडीएफ आपको पंचायती राज वाली मिल जाएगी कंप्लीट विविध वाली कल पढ़ा के फिर कंप्लीट दे दूंगी तो एलडी ये ललिता धैया एकेडमी टेलीग्राम चैनल Instagram Facebook पेज हर जगह जुड़ जाना बेसिकली पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम पे तो मिलेंगे कल की क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन सजेशंस कल, कल, कल बात करना अभी मैं ना अभी थोड़ा गवर्नेंस में बिजी हूँ भाई अभी अभी थोड़े दिन आप उनतीस तारीख तक रुक जाओ उसके बाद बात करते हैं अच्छे से उनतीस के बाद बात करते हैं उनतीस तक मेरा गवर्नेंस चल रहा है तो अभी सोचो मुझे ये क्लास पढ़ानी है और अभी मुझे गवर्नेंस बहुत अच्छे से देखना पड़ता है फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है न? तो मिलेंगे कब कल सुबह दस बजे है ना विविध वाले क्वेश्चंस के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत ऑल द बेस्ट क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर देना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना कमेंट कर.